Welcome back to our YouTube channel. Guys, कैसे हो आप सब? और guys, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. उसका रीजन क्या है? Here is पुष्पा, पुष्पा 2, the rule, हिंदी, अलू अर्जुन, wow. And रश्मिका, फहाद फासिल. गाइज, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का. सो हमें टाइम वेस्ट नहीं, हम सीधा देखते हैं, लास्ट में बताएंगे हमें कैसा लगा. सो हमारे से बने रहना, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो प्ले द वीडियो. गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार. इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां. पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है. शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है. भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए. खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान. टीम ने ढूंढ निकाली. पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हैं. इस वक्त हम अनामया सर्कल पर मौजूद हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए. 8 गोलियां लगी हैं. किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है. पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी. सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था. पर तुम्हाला माहिती आहे का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया. भगत आई, अब ये ठीक है. बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई. पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाए. अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था. एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं. कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है. कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है. अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है. पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? ब्रेकिंग न्यूज़, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है. ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं, उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं. वो दिखाई नहीं दे रहा. अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है. लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है. पुष्पा को कुछ नहीं हुआ. पुष्पा जिंदा है ना. अब रूल पुष्पा का. द रूल. ओके. वाओ, आइकन स्टार अलू अर्जुन. हैप्पी बर्थडे. ओके, बर्थडे. वाओ भाई साहब, मतलब गूज बम्स आए ना. मतलब इतनी जबरदस्त मतलब एंट्री आई लास्ट में. हमने कहा यार सच में मिसिंग है. आई मीन हमें, मुझे भी लगा कुछ सस्पेंस हो सकता है. लास्ट में जैसे वो वीडियो आया ना लाइन के साथ, टाइगर के साथ, भाई साहब अमेजिंग यार, क्या ही बोले. मतलब डायलॉग एंड ऑल दैट, मतलब काफी सुपर्ब. सस्पेंस कितना था स्टार्टिंग में, है ना, कि गायब हैं, मर गए हैं, एंड जापान चले गए हैं, मलेशिया कहाँ कहाँ चले गए हैं ना. लेकिन अल्टीमेट वो वहीं मिले. वाओ भाई, द रूल एंड देसी वो लुक लास्ट में टांग वाला सिस्टम, वो हो है ना, मज़ा आ गया देख के यार. हम तो मतलब इनके बहुत बड़े फैन हैं. जैसे ये जो स्टाइल करते ना, ये क्या बात है. ये तो स्टाइल इनका पूरे दुनिया में, इंडिया में बहुत फेमस हो गया यार. सीरियसली अगर आप कोई भी पहले, मतलब जब पुष्पा आई थी ना, तो उसके टाइम पे जितना भी आप कह सकते हो रील्स पे, शॉर्ट्स पे, ये स्टाइल चल रहा था. अभी दोबारा से, अभी सीरियसली उसने बोला ना पुष्पा का रूल, अब उसका दोबारा चलेगा. यस, मतलब अमेजिंग यार.
स्टार्टिंग बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये मूवीज बांध के रखने वाली मूवीज होती है ना, एंड ऊपर से अल्लू अर्जुन है, बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त, ऊपर से हिंदी में डब है, और इसलिए तो वो डायलॉग्स जो मतलब उनकी लैंग्वेज में जो डायलॉग्स होंगे है ना, मतलब जैसे कि जिन जैसे मूवी है ना, अभी तो ये डब मूवी हिंदी में है तो इनके डायलॉग इतने जबरदस्त है, अगर कोई ओरिजिनल देखेगा जो इनकी जिसमें है, हाँ, है ना, लैंग्वेज में है, उसमें सुनेंगे तो सुनेंगे, कितना मतलब कितना इफेक्टिव मतलब वो लगता है उनकी उनकी खुद की लैंग्वेज में, मतलब खुद की कह सकते हैं ना आवाज में, तो मतलब ट्रूली इतना ज्यादा अमेजिंग ये था। स्टार्टिंग फुल ऑन सस्पेंस से चल रही है कि क्या हुआ, 8 गोलियां लगी, जिंदा है, मर गए, पुलिस वालों ने ऐसा किया, एकदम माउंड में चल रहा था कि अच्छा ये लास्ट में जैसे वो टाइगर वाली एंट्री हुई ना, मतलब सीरियसली वो डायलॉग जो था कि जब जंगल में कोई जैसे कहते हैं ना कोई जानवर आता था दो कदम इंसान दो कदम शेर आता तो पीछे चला जाता, लेकिन जब टाइगर जानवर खुद पीछे चला जाए दो कदम, मतलब पुष्पा क्या बात है, सही है यार, मतलब है ना, मतलब बहुत मजा आया मुझे देख के, एंड मैं काफ़ी ऐसी मूवीज़ को अभी देखना स्टार्ट कर चुका हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, एंड एक्शन ज़बरदस्त होता है, VFX बहुत अच्छे होते हैं, एंड जैसे कि जो इनकी पहली फिल्म थी बहुत हिट गई, अब द रूल आई है, राइट, अब पुष्पा का राज चलेगा, पुष्पा द रूल टू, पुष्पा टू द रूल, वाओ, मतलब अमेजिंग लुक है यार इस बंदे की, आपने मतलब मैं इसमें वो चीज़ भी ऐड की, जो हमने जो पोस्टर देखा ना इसका, बाय गॉड मेरा फेस ऐसे था कि ओ माय गॉड, सही है, पोस्टर इज अमेजिंग, इनका जो लुक है डिफरेंट है टोटली, पूरा मेकअप, आप अभी ना इनका नाखून चेक कर सकते हो, उस पे रेड कलर का नेल पेंट था, तो यू कैन इमेजिन कि इनका लुक क्या होने वाला है इसमें, मतलब ये पोस्टर जो इनका पोस्टर मतलब आया था ना, मतलब इसकी तरफ से चैनल की तरफ से, मैंने तो ध्यान से नहीं देखा उसको, ये पोस्टर आया मतलब इनका पुष्पा, वेयर इज पुष्पा पोस्टर, मैंने तभी सोच लिया, मैं कहा इसमें मतलब अल्लू अर्जुन का एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके मैंने अभी नाखून पे अपने नोट किया होगा, अगर जैसे आप मेरी तरह चीजें नोट करते हो, तो रेड नेल पेंट था, तो मैंने उसके साथ रिलेट किया कि इसमें उनका एक वो वाला लुक भी आएगा जिसमें ये मतलब लेडीज का मतलब कुछ हो सकता है, मतलब भी छुपने के लिए किया हो, किया मतलब है ना, मतलब वो पूरा सबने सोचा कि यार चल लेंगे पुष्पा है ना एंटर, लाइक उसके बाद ये एंड में सरप्राइज मिला कि ही इज बैक, एंड बैक तो होना था क्योंकि पुष्पा टू द रूल मूवी का नाम ही है ना, एंड ऑब्वियसली इनको इन्होंने कहीं ना कहीं से आना तो था, अब वही चीज़ देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कहाँ थे है ना, कैसे इन्होंने सर्वाइव किया, और वो जो स्टोरी लाइन होगी वो क्या होगी, स्टोरी लाइन होगी मतलब उसमें क्या सस्पेंस होएगा, क्या एक्शन होंगे, क्या देखने का मतलब, वो देखने का मतलब हम वेट कर रहे हैं कि मजा आने वाला है, और जैसे जो मैंने बोला ना कि पोस्टर में जो लुक था, मैं उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और वो जो लुक आने वाला है ना, मतलब आप अगर आपने किसी ने पोस्टर देखा है, हम कोशिश करेंगे कि पोस्टर को भी साथ में लगा देंगे, एंड डेफिनेटली वो लुक आप देखना, मतलब अमेजिंग किलर यार, किलर, मतलब वर्ड्स नहीं हमारे पास गाइस, हमें बहुत अच्छा लगा इनका, तो बादशाह है ये, यस एक्टिंग तो बहुत काफी फेमस है अल्लू अर्जुन, एंड बहुत ज्यादा इंटरनेशनल, अभी दिख पता चल रहा है क्यों फेमस है भाई, उनकी एक एटीट्यूड, एक मतलब एक स्टाइल, अलग ही यूनिकनेस है इनके अंदर है ना, जैसे वो बैठने का तरीका, जैसे टांग के साथ एक वो जैसे बैठने का है ना, क्या बात हो, वही ये सही है, डायरेक्टर का भी फुल ऑन कंट्रीब्यूशन, सही में डायरेक्शन, यस डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक्शन जो एक्शन के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक्शन कैसे डाला है, सारा कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, अल्लू अर्जुन डायरेक्शन राइटर मतलब म्यूजिक एवरीवन मतलब सब ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी मूवीज और आनी चाहिए यार, हम मतलब बहुत साफ सुथरी मूवी, मतलब बहुत प्राउड फील करेंगे कि हम उन पर रिएक्ट कर पाए, जब वो हर नई मूवी ऐसी आए, नया ट्रेलर ऐसा आए, टीजर ऐसा आए, जिसपे हम मतलब रिएक्ट कर सकें, यस हम वेट कर रहे हैं कि मतलब फटाफट ये निकाले, सॉन्ग भी आएंगे, डेफिनेटली इसके सॉन्ग्स भी आने वाले हैं, बहुत जल्द आएंगे यार, सो मजा आ गया गाइज, आपको कैसा लगा, आपने भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको ये जो इनका भी आया है, जो भी आपने भी जरूर बताना है कि पुष्पा द रूल राइट एंड टू आपको ये कैसा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपके कमेंट जरूरी हैं और जरूर बताना, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार करते रहना, बाय।